हो गई होगी शेयर। हाँ, अगर इसको थोड़ा ऊपर कर बड़ा कर सकता तो कर दे और थोड़ा, नहीं हो पाएगा। रहने दे, देखो एक बार क्वेश्चन कर, इसका क्वेश्चन पढ़, एक बार क्वेश्चन बेटर लग रहा है थोड़ा। देखो क्वेश्चन क्या है, सॉलिड लेड नाइट्रेट PbNO3 डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर, द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बॉइल एट 100.15 डिग्री सेल्सियस। देखो सॉलिड लेड नाइट्रेट है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है इतना है, व्हेन 0.2 मोल ऑफ NaCl इज एडेड। PbNO3 था पहले अकेले, इसमें NaCl डाल दिया, PbCl2 का प्रेसिपिट बनेगा, प्लस 2 NaCl लेना पड़ेगा, 2NaNO3 बन जाएगा, 2NaNO3 बन जाएगा। और इसमें इसमें अब PbNO3 इनिशियली था, डेल्टा टीबी उसका सॉल्यूशन का था 100.15 था, 1.2 NaCl सॉल्यूशन फ्रोज एट इतना, अच्छा NaCl डालने के बाद सॉल्यूट पूछा है इसका 290 केल्विन पे, और के बी दे रखा है, के एफ दे रखा है, पॉजिटिव अरे तो टू। वैसे ही हो जाएगा ना नॉर्मली, मतलब लास्ट में मोलैरिटी और मोलैरिटी को तो सेम ही मानना है, कंसंट्रेशन निकालनी है बस उसकी। डेल्टा टीबी जो आई के बी में लगाया पहले, आई की वैल्यू PbNO3 के लिए लेंगे 3, के बी है 0.5 और मोलैलिटी है 1.2 मोलैलिटी तो नहीं दे रखी है, लेकिन डेल्टा टीबी दे रखा है ना इसका 0.15 डेल्टा टीबी मोलैरिटी होगा, निकालनी है। ये डेल्टा टीबी दे रखा है 0.15 होगा ना, यस सर, मुलायम की शायद 0.1 आ जाएगी। 1.5 0.1 आ गई, 0.1 मोलल आ गया है PbNO3 ये 0.1 मोलल है, और जो NaCl डाला है वो 0.2 मोल है, दोनों खत्म हो जाएंगे, 1 मोल के लिए 2 मोल को चाहिए, तो ये बन जाएगा 0.1, ये बन जाएगा 0.2, हो जाएगा कि नहीं, यस सर, 0.1 0.2। अब NaNO3 तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा डिसोल्व होगा, PbCl2 प्रेसिपिट होता है, तो इसी का केस भी निकालना होगा, सॉलिड प्रोडक्ट ऑफ केस पूछा ना PbCl2 का। ताने यहां तक समझ आ गया, यस सर। चलो अभी एक बार आगे देखते हैं, नीचे वाला पार्ट ड्रॉप कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं। अब डेल्टा टीएफ लगेगा सॉल्यूशन के लिए, डेल्टा टीएफ लगेगा आई के एफ एम, दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो NNO3 है और एक एक NNO3 और एक PbCl2। PbCl2 का तो KSP निकालना है, ये तो पूरा डिसोसिएट करेगा नहीं, इसमें तो सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं S। डेल्टा टीएफ इसके लिए लगेगा 0.2 आई के एफ एम, आई के एफ को कॉमन ले लेंगे, I1M1 मान लो, प्लस I2, और इसकी सॉल्युबिलिटी मान ली अगर S ले लेते हैं, तो I1 जो है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर जो I है इसका 2 है NNO3 का, तो 2 × 0.2 आ जाएगा। अब इसमें I2 × S, PbCl2 का I अगर लेना होगा तो डिसोसिएट तो 100% मानेंगे इसको, तो इसका 3 × S होना चाहिए ये, देखकर भी एक बार क्लियर है ये। मतलब मेरे हिसाब से 100% डिसोसिएट नहीं मानेंगे। 100% नहीं मानेगा तो करेगा कैसे फिर, तो दो अननोन हो गए क्वेश्चन। डेल्टा टीएफ लेंगे इसका 0.8, 0 माइनस 0 सर से नहीं, पॉइंट एट ऐसे डिग्री नहीं करेंगे, मतलब उसमें से कुछ एक्स अमाउंट गया वो मान के फिर आई निकाल लेंगे और फिर करके। इसमें से, दोबारा बोल। हम इसमें ऐसे नहीं मानेंगे, PbCl2 में से जैसे 0.1 है, 0.1 में से एक्स गया और एक्स मिला, 2x मिला, फिर उससे आई निकाल लेंगे और फिर करेंगे। निकाल इससे आई बार, सर एक सेकेंड करता हूँ, क्योंकि सर अगर हमने 100% मान लिया तो फिर मतलब KSP वाली बात ही खत्म हो गई। नहीं कैसे लिए बात इसलिए खत्म नहीं ना, PbCl2 मैंने माना कि आई निकालने के लिए पूरा मान लिया, डिसोल्व कर गया, सॉल्युबिलिटी उसमें से एस मान ली, मैंने नहीं माना कि कुछ जितना डिसोल्व हुआ वो पूरा डिसोल्युबल हो गया। एक बार तू कर, तो तू कह रहा हाँ सर करता हूँ, एक सेकंड। यहां से निकालें अगर 2 × 0.2
पॉइंट फोर हो गया, पॉइंट फोर हो गया, पॉइंट फोर आ गया, एस आ गया यहाँ से 0.4/3, केस पी इसका आएगा 4s³, 4s³, एस की वैल्यू 0.4/3, 0.4/3 का क्यूब। हाँ नहीं, आंसर क्या है इसका? एक मैंने केफ नहीं लगाया, एक मिनट को, एक मिनट को, अभी केफ भी लगाना ना साथ में, तो यहाँ केफ मिस हो गया, केफ लगेगा ना बाहर, 1.8 है ना, 1.8 भी लगेगा बाहर, तो 0.8 बाय, अभी ये ऐसे गलत निकला अभी तो ये। पॉइंट एट डिवाइड बाई 1.8 आएगा, ये तो बहुत ही कम हो जाएगा, 0.2 होता, 0.4 से हल्का सा ही कम आएगा ये, ज्यादा आएगा हल्का सा, ये आ गया 4/9 ना, हाँ सर, 0.4444 0.44, हाँ 0.44 अगर ये आता है तो ये 0.04 आ जाएगा, 0.04/3 आएगा ना एस, तो फिर पॉइंट जीरो फोर बाय थ्री, तो 0.04/3 का होल क्यूब पुट करेंगे 4s³ में, 4 × 0.04 बाय थ्री का होल क्यूब, ट्वेंटी से 4/27 आया बाहर एक तो, और 4 64, 4 4 16, 4 64, 64 × 10 के -6 आएगा ना, यस सर 64 × 10 के -6, इससे तो 9 आ रहा है। इससे अब देखना कितने, ये ताने अगर आंसर देखो इसमें, तो फिर 256/27 कर देंगे, 256/27 कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, थ्री सर मतलब अभी मैंने ट्वेंटी कैलकुलेटर पे चेक किया, वो 9.48 आ रहा है। आंसर नहीं, 13 दिया हुआ, 13 × 10 के -6, 10 के -6 तो ये रहा ना, यस सर, और मेरा 254 कितना आ रहा है, 256/27, 13 तो नहीं आएगा ये, 270 तो, ये तो 270 आना चाहिए ना, मेरा तो 10 के आसपास आ रहा है ना कुछ, हाँ सर 9.48 आ रहा है उसको कैलकुलेट करके जो आपने करा है। 9.48, 9.48 × 10 के -6, हाँ तान्या तुम करो इसी तरीके से, तरीका यही है तान्या, ये कैलकुलेशन देख लेना एक बार, तुम्हें तरीका समझ आ गया कि नहीं, यस सर, चलो एक बार ट्राई कर लेना इसको, अगर तू अपना डाउट निकाल ले जल्दी से। सर इस पे शेयर करूं? शेयर कर लेने में, नहीं तो मेरे को तू अलग से पूछ ले एक बार, सही ना, अलग से सर मैंने पूछ ले फिर आपको एक बार, भेजा हुआ है ध्यान वो, दे। मतलब एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, एक बार देख के बता दूं। अच्छा चल मैं बताता हूँ, तू मेरे उसमें कॉल कर दे मेरे फोन पे इसको, ये मेरे को सेंड कर हाँ देना सर, लेक्चर के लिए। हाँ। हाँ सर ठीक।